गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक चटपटा डिश लेके, इवनिंग स्नैक्स जो चाय के साथ बड़े मज़े से खा सकते हैं और इतना इजी है और जो घर पे अवेलेबल है उससे आप आराम से बना सकते हैं। तो एक चटपटा डिश है, चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ काबुली चना। आप ये सोचेंगे कि छोले भटूरे होंगे, नहीं, ये एक स्नैक्स है वो भी बहुत मज़ेदार है। मैंने 250 ग्राम काबुली चना को ओवरनाइट सोक करके रख दिया था और उसको एक सीटी मार के उसको उबाल लिया। अब सीटी मारने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है उसमें एक पिंच खाने का सोडा यानी कि स्वीट सोडा उसमें डालना है। इसके साथ ही एक टेबलस्पून सॉल्ट भी आपको उसमें ऐड करना है। इस रेसिपी में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। यहाँ पे मैंने काबुली चना ले लिया जो बॉयल किया हुआ है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून ऑर्गेनिक और रेड चिल्ली फ्लेक्स। तो इसको अच्छे से हमको इसके साथ मिक्स करना है। हर इंग्रेडिएंट्स को एक साथ इसको ऐड कर देना है, फिर इसको अच्छी तरह से कोट करना है। हर एक चना पे कोटिंग हो जाना चाहिए। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ऐसे ही घुमाते हुए आप इसको मिक्स कर ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे चने अच्छे से कोट हो चुका है। चलिए झट से इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में उतना ऑयल होना चाहिए जिससे आपका चना अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। इसको थोड़ा देर के लिए चलाते जाना है। ध्यान रखें चना बॉयल किया हुआ है तो इसको ज़्यादा लो फ्लेम पे ना रखें, इसको मीडियम फ्लेम पे या तो थोड़ा ऊपर रख के इसको फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ये चना फ्राई होने के लिए आपको 5 से 7 मिनट चाहिए। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए कलर भी चेंज हो गया है, देख के क्रंची फील हो रहा है। लेफ्ट आपको जितना बचा हुआ चना है वो भी आप इसी तरह से फ्राई कर ले। इस तरह से मैंने हर चने को अच्छे से फ्राई कर लिया। ये एकदम क्रिस्पी ब्राउन कलर के हैं, देख के आपके मुंह में पानी आने वाले हैं। आप भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें। अब लॉकडाउन के सीजन है, घर बैठ के थोड़ा तो कुछ खाने का मन होता ही है। इसके ऊपर आप फाइन चॉप किया हुआ धनिया पत्ता और ग्रीन चिल्ली अनियन आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो ऊपर से ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो डालिए। विदाउट ये सब का भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो मेरे ये रेसिपी अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें।